सियासत में विरोधी सत्ता पक्ष को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और जब बात प्रदेश के मुखिया और कानून व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ी हो तो सियासतदान मुख्यमंत्री को निशाने पर लेने में देर नहीं करते। हाल ही में हुए राजगढ़ में थानाधिकारी के आत्महत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सीएम आवास के बाहर एक फरियादी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। मामला नागौर से जुड़ा हुआ था, लिहाजा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधते हुए सीएम गहलोत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर किसी को न्याय मांगने के लिए सीएम के घर के बाहर आत्महत्या का प्रयास करे। इससे पहले भी जब अशोक जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो मकराना के एक हमारे दलित युवक ने उन पे अटैक कर दिया था मुख्यमंत्री पे, और मुख्यमंत्री ने फिर उनके घर जाके बात भी करी कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अशोक जी के समय में ऐसी घटनाएं आम हो गई, आम आदमी का भरोसा ही सरकार टूट गया जब वो व्यक्ति एसपी कलेक्टर आईजी के पास गया, एडिशनल एसपी के पास गया, उसे न्याय नहीं मिला तो उसने सीएम के पास जाके आत्महत्या का प्रयास किया कि यहाँ सीआई विष्णुदत्त ने तो आत्महत्या कर ली और मैं मुख्यमंत्री के यहाँ आके आत्महत्या कराऊं ताकि मेरी सुनवाई आप लोग करो, वो सुनवाई के लिए व्यथित था। बताया जा रहा है आत्महत्या का प्रयास करने वाले शख्स चेनाराम खनन माफियाओं से बेहद परेशान था, लिहाजा उसने तंग आकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं चेनाराम द्वारा लिखा गया एक पत्र भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे ट्वीट करते हुए किरोड़ी लाल मीना ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। किरोड़ी ने कहा कि इससे अधिक शर्म की बात क्या होगी कि खनन माफिया के आतंक और पुलिस की प्रताड़ना से परेशान नागौर के एक व्यक्ति को सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा। सरकार की अक्षमता की वजह से लोगों का कानून के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मामले को लेकर सीएम गहलोत पर तंज कसा है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास आमतौर पर जनता की सुनवाई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी के राज में न्याय की आस टूटने पर आत्महत्या की कोशिश के लिए भी बदनाम होने लगेगा। चेनाराम द्वारा किए गए आत्महत्या के प्रयास से तो यही लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। खैर, पुलिस की तफ्तीश के बाद ही मामला साफ होगा, लेकिन एक के बाद एक होती घटनाओं के बाद विपक्ष गहलोत सरकार पर और आक्रामक रुख अख्तियार करता जा रहा है।